शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुमने कुछ किया है ना? जरूर तुमने कुछ किया होगा। उसने खुद फोन किया था हमको और खुद कुछ बोल नहीं पाया। जब होश में आएगा ना तो खुद पूछ लेना उससे कि तुम्हारे बजाय हमको क्यों फोन किया। डॉक्टर साहब क्या हुआ? अभी जो पेशेंट आया उसे आप अपने साथ लेकर आई थी ना? जी। आप आइए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। डॉक्टर साहब हम उनकी कोई नहीं है, ये उनकी वाइफ है, यही उनका ख्याल रखेंगे। हाँ डॉक्टर साहब हम उनकी वाइफ है, हमें बताइए ना क्या हुआ है। ठीक है आप मेरे साथ मेरे केबिन में आइए। ठीक है चलिए चलिए चलिए। शर्मनी डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा और तुमने अच्छा फैसला किया, सही संभालने दो। पता नहीं रोहन हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, शिवान जैसे कैसे बेहोश हो गए अचानक, हमें बहुत चिंता हो रही है। श्रवणी ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चलो अगर इतनी चिंता हो रही है तो डॉक्टर से बात कर लेते। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, आपके पति की दोनों किडनियां खराब हो गई, इसके दर्द से ही वो कॉलेप्स कर गए। कह रहे हैं डॉक्टर साहब दोनों किडनी कैसे? दोनों किडनी? आपके पति के बेहतर भविष्य के लिए हमें एक किडनी डोनर चाहिए होगा, वो भी तुरंत। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे कैसे दोनों किडनी अचानक खराब हो सकती है? पहले तो ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे और ना ही हिस्ट्री में ऐसा कुछ है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए उनको पहले से थोड़ा बहुत दर्द रहा होगा लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, अब हमारे पास में किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। किडनी ट्रांसप्लांट? डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारी किडनी चेक कीजिए, शायद उनसे मैच हो जाए। हाँ ठीक है, लेकिन अगर किडनी डोनर कोई करीबी रिश्तेदार रहेगा तो किडनी मैच होने के चांसेस ज्यादा है। देखिए पहले हम पेशेंट की वाइफ को कंसिडर करते हैं, फिर बाद में देखेंगे आपको। डॉक्टर साहब पेपर्स पर अब भी हम पेशेंट की पत्नी हैं। इससे बड़ा और कोई सबूत चाहिए आपको? आप सबसे पहले हमारी जांच करवाइए, हमारे पास वक्त नहीं है, शिवांश को जल्द से जल्द ठीक करना होगा हमें। देखिए आप परेशान है ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, किडनी का मैच होना भी जरूरी है। डॉक्टर एक सेकंड, श्रवणी श्रवणी क्या कर रही हो? तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, जानती हो तुम मां बनने वाली हो, ये कितना रिस्की हो सकता है? रोहन प्लीज हमारे पास ये सब सोचने का समय नहीं है, और हम इतना बुरा सोचें क्यों? अभी हमें सिर्फ शिवांश को ठीक करना है और कुछ भी नहीं, प्लीज हमें करने दो हम जो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे जितने भी जरूरी टेस्ट है आप शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए आप। नर्स आप इनके ब्लड सैंपल ले लीजिए। ठीक है नर्स आपके ब्लड सैंपल ले लेगी, लेकिन रिपोर्ट्स के लिए आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है, क्या हम अभी चेकअप से पहले एक बार शिवान से मिल सकते हैं क्या प्लीज? देखिए अभी वो ICU में है और वहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। नर्स आप इनके सैंपल ले लीजिए। शर्मी ने अपनी किडनी दे दी तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। एक तो वो पहले ही शिवांश के बच्चे की माँ बनने वाली है, किडनी भी दे देगी तब तो शिवांश इसकी आरती उतारने लगेगा। चलिए रुको, तुम किडनी नहीं दोगे शिवांश को, समझी? डॉक्टर साहब शिवांश की पत्नी अब हम हैं, उनके सारे फैसले अब हम लेंगे, ये नहीं।
स्वीटी, ये तो सिर्फ कागज पर उनकी बीवी है, नाम के लिए। असली बीवी तो हम है, हम। और शिवांश ने तो कब का इसको अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं। और तलाक के कागज पर तो साइन भी कर दिए हैं, हमारी शादी से पहले। और अब इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे आप लोग कैसे ले सकते? नहीं ले सकते। और हमारा फैसला ये है कि शिवांश को किडनी हम देंगे, ये नहीं। स्वीटी, ये भी कोई वक्त है होड़ लगाने का? समझ में आ रहा है तुम्हें? शिवांश वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हो और तुम उनकी बेकार की बातें कर रही हो। उनकी जिंदगी की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? हाँ, वो अब हमारे पति है, हम संभाल लेंगे उन्हें। क्या संभाल लोगी तुम? किडनी हम देंगे और तुम हमें रोक भी नहीं सकती, क्योंकि क्योंकि हम अब उनकी पत्नी है। देखिए, ये अस्पताल है, कचहरी नहीं। क्या इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि बीवी कौन है और कौन नहीं, जितना कि किडनी किसकी मैच करेगी उससे उतना फर्क पड़ता है। और पेशेंट तो बहुत लकी है कि दो दो लोग उसको किडनी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, वैसे तो हम ये प्रेफर करते हैं कि डोनर पेशेंट का कोई करीबी रिश्तेदार, जैसे कि उसका खून का रिश्ता या फिर उसकी पत्नी। लेकिन नए कानून के हिसाब से कोई भी किडनी डोनेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक लीगल पेपर तैयार करना पड़ता है जिसमें यह कंडीशन दी गई होती है कि किडनी को बेचा नहीं गया है, बल्कि डोनर ने अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से उसको डोनेट किया है। पहले हम आप दोनों का ब्लड सैंपल लेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किसकी किडनी पेशेंट की किडनी से मैच करती है। सिस्टर, आप इन दोनों को टेस्ट के लिए ले जाइए। चलिए, आप दोनों मेरे साथ आइए। थैंक यू डॉक्टर। ये लोग ब्लड टेस्ट के लिए आए। ओके, आप लोग यहाँ बैठिए। जीती जी मार दिया शिवांश को और अब बचाने का ढोंग कर रही हो। तुम्हारे धोखे की वजह से वो अब शराब पीने लगा। बेटी, तुम समझोगी नहीं, फिर भी कह रहे, ये वक्त शिवांश की जान बचाने का है, तुम बाद में लड़ लेना हमसे। ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। बता रहे हम तुम्हें, अगर हम दोनों में दोनों की किडनी मैच कर गई, याद रखना, शिवांश को किडनी सिर्फ हम देंगे, तुम नहीं, समझी? दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। बस बस, कितना खून निकाल रहे हो? और मत निकालो। बस हो गया, हो गया, हो गया, बस बस। वो रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी? रिपोर्ट्स कल सुबह तक आ जाएगी, आप लोग घर जाइए। नहीं, हम यहीं रुकेंगे। लेकिन पेशेंट से मिलना तो नहीं होगा? जानते, उनसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सुबह तो होने वाली है ना। कोई बात नहीं, हम यही बाहर कॉरिडोर में रुक जाएंगे। ओके, हम भी कौन सा जाने वाले हैं, अपने पति को दूसरों के भरोसे छोड़ के? हम नहीं जाएंगे, हम भी रुकेंगे। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।